जो एलपीजी लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूंकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है, लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। अभी ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं? कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके सिलेंडर खरीदेगा। सरकार को सोचना चाहिए। ये हमें कच्चा खिलाने की आदत जो आप लोग डलवाना चाहते हैं, ये बंद कीजिए। ईंधन का एलपीजी का भाव जरूर कमती कीजिए, क्योंकि आम जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है इससे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।